कंगना रनौत का संसद में पहला भाषण, जिसे सुन मच गया बवाल। मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के पहले संसद भाषण के बारे में। कंगना रनौत ने हाल ही में संसद में अपना पहला भाषण दिया, जो कई कारणों से चर्चा में रहा। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखे हमले किए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर और केंद्रीय बजट 2024 की सराहना की। आइए विस्तार से जानते हैं कि कंगना रनौत ने अपने पहले ही भाषण में ऐसा क्या कहा जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई। कंगना रनौत ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि यह उनके लिए बहुत नई जगह है और वह एक नई सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा कोई सामान्य लोकसभा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों और भारतवर्ष की जनता को भी बधाई देना चाहती हैं, जिन्होंने सरल, सहज और सफल सरकार को चुना है। कंगना रनौत ने कांग्रेस सरकार पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। कंगना रनौत ने अपने भाषण में केंद्रीय बजट 2024 की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को तीव्रता मिलेगी। कंगना ने ये भी कहा कि बजट की मदद से हम 2047 के हमारे विकसित भारत के संकल्प की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। कंगना रनौत ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ में बड़े पैमाने पर जन धन का नुकसान हुआ। एक साल बीतने के बाद भी हिमाचल प्रदेश उस बाढ़ की मार से उबर नहीं पाया है। कंगना ने इसके पीछे कांग्रेस के लापरवाह रवैये और भ्रष्टाचारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कंगना रनौत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया, जिन्होंने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। कंगना ने कहा कि हम सभी हिमाचलवासी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभारी हैं। उन्होंने कहा कि जितना काम बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में किया है, उतना काम तो आजादी 60 सालों के बाद भी नहीं हुआ था। कंगना रनौत का यह पहला भाषण संसद में बहुत तेजी से प्रभावशाली रहा। उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को भी सराहा। उन्होंने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हम 2047 के विकसित भारत के संकल्प की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह था कंगना रनौत का संसद में पहला भाषण। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।